दुनिया विच नहीं जिस दा कोई सानी, उस गुरु लासानी दी गल करिए, अमृतसर विच जिन्हां दा जन्म होया, उस ब्रह्म ज्ञानी दी गल करिए, छेवें गुरां दा लाडला लाल सी जो, उस अंतर ज्ञानी दी गल करिए, दिखती गई जो चाननी चौंक अंदर, उस पावन कुर्बानी दी गल करिए। साध संगत जीओ, आप जी नूं धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साल जन्म दिहाड़ी दी लख लख वधाइयां हो। अज आपां इत्थे उस सच्चे पातशाह नूं याद करन लई इकट्ठे होए हाँ, जिन्हां ने हिंदू धर्म की रक्षा खातर अपना सीस बलिदान कर दिता। गुरु तेग बहादुर जी गुरु नानक देव जी द्वारा चलाए गए सिख धर्म अंदोलन के नौवें अध्यात्मिक गद्दीदार सन। आप जी का जन्म छेवें गुरु हरगोबिंद जी के घर माता नानकी जी की कुखों सन 1621 ईस्वी में अमृतसर विच होया। बचपन तो ही आप वैरागी रुचि वाले गंभीर और तपस्वी महापुरश सन। ज्योति जोत समाउन समय अठवें पातशाह ने केवल बाबा बकाले शब्द कहे, जिस कारण गद्दी दे कई दावेदार खड़े हो गए। आखर मक्खन शाह लुभाणा ने अपनी सुखम दृष्टि दे नाल सच्चे गुरु नू लभ ही लिया। आप 20 मार्च 1665 ईस्वी नू गुरु गद्दी उपर विराजमान होए। तद उपरंत आपने कई गुरुधामां दी यात्रा कीती। इसे दौरान कश्मीर दे ब्राह्मण अपने धर्म दी रक्षा लई आप जी दी शरण विच आए अते उन्हां दा धर्म बचाउण दे लई आप 11 नवंबर 1675 ईस्वी नू दिल्ली विच जाके शहादत दे दित्ती। इस शहादत बारे किसी कवि ने बहुत सोहना लिखा है, धर्मी हिक्का पाटियां छाया अंधियारा, अखा विचों निकली लोहू दी धारा, होण लगा संसार विच वड़ा हाकारा, होया विच आकाश दे जय जय जयकारा, होया विच आकाश दे जय जय जयकारा। अते बचित्र नाटक विच भी गुरु तेग बहादुर जी दी शहादत बारे लिखा गया है, तेग बहादुर के चलत पयो जगत को सोक, है सब जग पयो, जय 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 सुरलोक। आप कुल 10 वरे 7 महीने 18 दिन गुरु गद्दी उपर विराजमान रहे। आप शुरू तो ही हरी भगती विच लीन रहिंदे सन, पर युद्ध दे मैदान विच जोहर दिखाउण उपरंत पिता गुरु तो जुझारू ना तेग बहादुर प्राप्त कीता अते आप तेग बहादुर नां नाल प्रसिद्ध होए। भारतीय संस्कृति अनेक गौरवपूर्ण परंपरावां नाल भरपूर है। वीरता, त्याग, संजम, सेवा आदि नाल संबंधित अनेक घटनावां नाल साडा इतिहास भरिया पिया है। भावें सामी संस्कृति विच हजरत ईसा दे सलीब उत्ते चढ़ना, करबला दे मैदान विच इमाम हुसैन दा शहीद हो जाना युग पलटाउण वालियां घटनावां सन, पर भारतीय संस्कृति विच बलिदान दी परंपरा दा आरंभ गुरु अर्जन देव जी दी शहीदी नाल होया अते गुरु तेग बहादुर जी दे बलिदान नाल इह अग पांबड़ दा रूप धारण कर गई। बलिदान जां शहादत दी लोड़ क्यों पैंदी है? इस गंभीर प्रश्न दा उत्तर अन्याय दी अत अधिकता विच देखिया जा सकदा है। अन्याय अगे ना चुकना व्यक्ति नूं दो दिशावां, एक अन्याय दे प्रति विरक्त हो जाना ते दूजी दिशा अन्याय दे नाल जूझना विचों एक वल वधण लई प्रेरित करदी है। अन्याय अगे ना चुकना जां उसनूं ना स्वीकार करन दी गल कोई निरपै व्यक्ति ही कर सकदा है, डरे होए दे मन विच तां इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकदी। आप जी सिर्फ एक बलिदानी पुरख ही नहीं सगो उच्च कोटि दे रचनाकार भी सन। आप जी दे 115 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज हन। समुचे तौर ते गुरु जी ने जिथे अपने बलिदान द्वारा भारतीय सभ्याचार नूं एक नवी बिरती दे नाल जोड़िया, उत्थे वैराग अते भगती दा उपदेश भी दिता। गुरु जी दा बलिदान युगा युगा तक याद किया जाता रहेगा। उन्हां दे बलिदान दे बाद एक अजिहा तूफान खड़ा होया जिसने मुगलां दा राज इस तरह मिट्टी विच मिला दिता जिस विच रुख तो कोई सुक्का पत्ता डिग जाता है। गुरु जी का दिखाया रहा अज भी साढ़े लिए प्रेरणा स्रोत है। तन है भारत की धरती जिथे अजिहे त्यागी अते बलिदानी महापुरशां दा जन्म होया है। अंत विच मैं इन्हां सत्रां नाल अपने बोलां नूं विश्राम देवांगी। सतगुरा दित्ती ऐसी कुर्बानी जिस ती जग ते कोई मिसाल नहीं, धर्म दी खातर सी सवारिया कोई कर सके ऐसा कमाल नहीं, धर्म दी खातर सी सवारिया कोई कर सके ऐसा कमाल नहीं। धन्यवाद।